Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So in the determinant chapter, the next topic, which you can see on your screen, is minors and cofactors. So till now, what we have done, understood the determinant, what is determinant? First exercise is over. Second exercise, application area of triangle, collinearity, and all. That was an application exercise. वो आई गई है हाँ ना अब जब डिटर्मनेट जहां पे अपन ने खत्म किया ऐसे मानो अभी तक अपन यही जाना है डिटर्मेंट क्या होता है उसके आगे की कड़ी है ये माइनस एंड को फैक्टर्स ठीक है सो आपको लग रहा होगा कि ये एक नया टॉपिक है माइनस कोई नई चीज निकल के आएगी और को फैक्टर्स कोई नई चीज निकल के आएगी मैं आपको क्या कह रहा हूँ माइनस एंड को एक ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी जानते हो इवन आपने क्वेश्चन में माइनस एंड को निकाले भी दो एक्सरसाइजेस में आपने माइनर्स भी निकाले हैं को भी निकाले बस आपको पता नहीं था कि इसको माइनर और इसको को कहते हैं ठीक है तो एक पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा लगा हुआ है तो आपको लग रहा है कि इस इंसान को मैं नहीं जानता हूँ पर्दा हट गया तो फिर जानते हैं जैसे कई बार हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम मिल तो रहे हैं, हम जानते भी हाँ ये इंसान है ये ये काम करता है या ये, ये अच्छा इंसान है सब जानते हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानते और किसी ने कहा यार तू उसको जानता है? नहीं मैं तो नहीं जानता फिर उसने करवाया इंट्रोड्यूस अच्छा ये है क्या मैं तो शक्ल से इसको जानता था तो सेम केस इज विथ अवर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम जानते हैं इनको बस हमको ये पता कोई बता दे कि अच्छा ये माइनर है फिर आपको क्या अरे तो मैं कर ही रहा था ना सोली कर रहा था ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता ले ले हूं मैं ठीक है यही ले लेता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स seven eight nine दिस इज a determinant कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस determinant बेटा चलो एक्सपेंडिंग along रो one कर दूँ सो एक्सपेंडिंग along रो one करूंगा तो क्या लिखूंगा one और फिर one का साइन वन ही रहेगा बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं फिर one के हिसाब से ये गया ये गया five nine जा forty five माइनस या फिर पूरा डिटेल में करो चलो five into nine माइनस एट इंटू सिक्स दैन फिर प्लस One के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है वन के बाद अगला एलिमेंट है टू सो टू का साइन माइनस वन रहेगा और टू के हिसाब से ये गया ये गया तो फोर इंटू नाइन माइनस सेवन इंटू सिक्स डन एंड देन उसके बाद तीसरा एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट थ्री इंटू उसका साइन अगेन पॉजिटिव रहेगा थ्री के हिसाब से ये गया फोर इंटू एट माइनस सेवन इंटू फाइव यहाँ तक कोई डाउट कोई डाउट नहीं यहाँ तक इस डिटर्मिनेंट निकालने के प्रोसेस में जो आपने ये तीन चीजें निकाली है एक दो तीन यही माइनर यही क्या है माइनर ये किसका माइनर है ये इस वन ऐले एलिमेंट का माइनर है ये किसका माइनर है ये इस टू वाले एलिमेंट का माइनर है ये किसका माइनर है ये इस एक्चुअली एलिमेंट का नहीं कह सकते इस पोजीशन का माइनर है नो no पोजिशन है ना वहां पे थ्री बाई थ्री के डिटर्मिनट में कितनी नो no. तो हर एक पोजिशन में एक माइनर आ सकता है तो ये जो है वन, वन की पोजिशन क्या ए वन थ्री सो इस पोजिशन के माइनर को हम डिनोट कराएंगे एम वन वन से पोजिशन क्या है वन वन और एम फोर माइनर क्या आया आंसर इसको सोल्व करना पड़ेगा फाइव नाइन या फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी एट माइनस थ्री

बट माइनर ऐसा नहीं है कि दुनिया में मतलब रिटर्नमेंट में केवल तीन ही एलिमेंट के निकलेंगे आप इस पोजिशन का अलग निकाल सकते हो इसका भी निकाल सकते हो इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सो जनरली माइनर का क्वेश्चन आएगा तो रिटर्नमेंट में जितने भी एलिमेंट है सबका माइनर निकलवाएगा तो नो है तो नो के नो माइनर आपको लिखना है फिर एम टू वन लिखना है एम टू टू लिखना है एम टू थ्री लिखना है फिर एम थ्री वन लिखना है एम थ्री टू लिखना है और एम थ्री थ्री लिखना है और हाँ उसकी बात भी करेंगे अभी तक तो नहीं होगा ये माइनर की वैल्यू यही है ठीक है कोई डाउट नहीं है यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं माइनर समझ के क्या हो गया अच्छा जी और सिंपल भाषा में बात क्या मैं और सिंपल भाषा में बात करें तो कुछ ऐसा है कि अच्छा इसको आप दोनों बातें कह सकते हो इसको आप माइनस थ्री को आप वन वन पोजिशन का माइनर भी कह सकते हो और इस एलिमेंट का माइनर भी कह सकते हो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें जो वन है वन का माइनर बताओ तो वन कौन सी पोजीशन पे ए वन वन में तो यानी कि आपको एम वन वन निकालने ठीक है दोनों कह सकता हूँ मैं इस वन का माइनर भी कह सकता हूँ और इस पोजिशन का माइनर भी कह सकता हूं अब थोड़ी सी सिंपल भाषा में बात करें तो अगर मुझे इस वन का माइनर चाहिए या वन वन वाली पोजिशन का माइनर चाहिए तो इसको और इसको हटा के जो डिटर्मिनेंट बचता है वो ही उसका माइनर है सो किसी भी पोजिशन का माइनर क्या है उस पोजिशन के रो और कॉलम को डिलीट करके बचा हुआ डिटर्मिनेंट ये ही तो है फाइव फाइव सिक्स और नाइन का डिटर्मनेट निकालूंगा मैं इसका निकालूं, ये निकालूंगा, 5, 9 45, minus 8, 10, 12, 6. तो निकालूंगा जो तो बचा द वैल्यू ऑफ द माइनर ऑफ दैट पोजिशन जितनी पोजिशन उतने ही माइनर्स निकल सकते हैं क्लियर है क्लियर है अब को फैक्टर भी इधर ही बता देते हैं वो भी आप जानते हो देखो जब आप इसको यहां तक रीड कर रहे थे तब तक तो वो था माइनर कहा तक यहां तक ये यह टू बाई टू का डिटरमेंट जो है ये टू बाई टू का डिटरमेंट है यही तो है माइनर है यही तो माइनर है बताओ अब आप इसको साइन भी दे दो एज पर इवन एंड ऑर्ड पोजिशन साइन भी दे दो जैसे इसकी पोजिशन इवन है तो इसको वन से मल्टीप्लाई करा दो इसकी पोजिशन ऑड है तो इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दो और इसकी पोजिशन अगेन इवन है तो इसको भी वन से मल्टीप्लाई करा दो तो साइन देने के बाद जो चीज बनेगी वो हो जाएगा को फैक्टर और को फैक्टर को डिनोट किससे कराते हैं वैसे तो कैपिटल लेटर सी होता है लेकिन सी ज्यादा ना यूज करके कैपिटल लेटर ए यूज होता है कैपिटल लेटर सी और ए दोनों चलते हैं किसी बुक्स में सी चलता है सी फॉर को फैक्टर किसी बुक में हमारी बुक में ए दिया है कैपिटल लेटर ने ठीक है सो एम वन वन के हिसाब से ए वन वन निकल सकता है एम वन टू के हिसाब से ए वन टू निकल सकता है एंड ए वन थ्री ये भी कह सकता हूँ मैं पोजिशन का भी कह सकता हूँ और एलिमेंट का भी कह सकता हूँ ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि टू का को फैक्टर बताओ या ऐसे भी कह सकता हूँ कि ए वन टू वाली पोजिशन का को फैक्टर बताओ दोनों बातें कही जा सकती हैं ओके सो so, क्या करूंगा माइनस थ्री तो वन से मल्टीप्लाई हो गया माइनस थ्री माइनस सिक्स की पोजिशन क्या है भाई तो जिसकी पोजिशन इवन है उसका साइन चेंज नहीं होगा जिसकी पोजिशन ऑड है उसी का साइन चेंज होगा सो so माइनस का और माइनस का नहीं हुआ माइनस का हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी पोजिशन इवन है वहां पे माइनर को सेम है चेक करो Even position कौन कौन से हैं ये और ये तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स सॉरी माइनस थ्री माइनस थ्री और नीचे वाला माइनस थ्री भी माइनस थ्री और जिसकी पोजिशन ऑड है वहां पे पर माइनर एक दूसरे के नेगेटिव हैं ये इसका नेगेटिव ये इसका नेगेटिव वेरी इजी सब निकाला हुआ है आपने सब निकाला हुआ ठीक है क्लियर है अब ये सारी बातों को अगर अपन एनालाइज करें तो सर फिर डिटर्मिनेंट की एक डेफिनेशन और बन गई मेरे पास डिटर्मिनेट निकालने की क्या आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो देखो स्क्रीन पे देखो मैं को फैक्टर तक तो निकाल ही चुका हूं तो अब बचा ही क्या इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना ही तो बचा डिटर्मिनेंट ही आ जाएगा आप तो आ जाएगा माइनस थ्री इंटू वन कर दू दे इंटू टू कर दू एंड माइनस थ्री इंटू थ्री कर दू और जोड़ दू सो माइनस थ्री ट्वेल्व माइनस नाइन तो इसका आंसर तो जीरो तो है। है, क्या? क्या मैंने कि एक्चुअल डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन मिल गई मुझे एक नई डेफिनेशन मिल गई कि डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम विथ इट्स को फैक्टर्स पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से प्रोडक्ट करा के और जो आंसर है उनको जोड़ दूं एक्चुअली वही डिटरमिनेंट समझ आया तो डिटरमिनेंट में हम पर्टिकुलर रो और कॉलम पकड़ते हैं लेकिन क्वेश्चन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का है तो फिर हम सबका निकालेंगे पर्टिकुलर एक रो या कॉलम का नहीं निकालेंगे okay. अब यहां पे इसका तो आंसर के जीरो आ गया तो जीरो करेक्ट एक बार चेक करो आंसर जीरो है सही निकाला निकालेगा कैलकुलेशन देखना फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी एट माइनस थ्री नाइन फोर थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी टू माइनस थ्री करेक्ट है माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री सिक्स ट्वेल्व ठीक है इसका तो आंसर ही जीरो है तो क्या कर सकते कुछ एक ऐसा डिटरमिनेंट लें जिसका आंसर जीरो ना हो वहां पे अब एक चीज और सिखानी है लिखवाने से पहले तो टेक एनी अदर डिटरमिनेंट यू लाइक बोलो एक डिटरमिनेंट बनाओ 3 बाय 3 का टेक एनी अदर डिटरमिनेंट 3 बाय 3 का कोई भी डिटरमिनेंट बनाओ बोलो क्या एलिमेंट्स डालना 2 0 3 फाइन 2 1 2 आगे अब ये 2 मत के देना Four, ठीक है ओके सो इसका इसका आप है ना रो वन के अकॉर्डिंग माइनस निकालो माइनस तो वैसे नो के नो एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं अपन लेकिन रो वन के निकालो एक बार सो so, रो वन के निकालूंगा एम वन वन देन एम वन टू एंड देन एम वन थ्री निकाल सकते हैं सो एम वन वन निकालने के लिए कुछ भी नहीं है दो बाय दो का डिटर्मिट सोच लो इसका आंसर ही एम वन वन है इसका आंसर ही एम वन वन है सो वन इंटू जीरो जीरो एंड माइनस ट्वेल्व वेरी गुड समझे चलो तो बाकी तीन एलिमेंट्स दो अब बेस्ड ऑन दिस आप क्या इनके को फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं निकालो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डायरेक्ट को फैक्टर पूछे तो डायरेक्ट को फैक्टर भी निकालना चाहिए डिटर्नेट निकालो हैंड टू तो एंड पोजिशन देखे मल्टीप्लाई करो डिटर्नेट निकालो हैंड टू एंड पोजिशन देखें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डायरेक्ट को फैक्टर भी निकालना ऐसे नहीं कि को फैक्टर के लिए पहले माइनर निकालने पड़ रहे हैं ठीक है ना ओके सो ए वन वन क्या हो जाएगा इसकी और इसकी आंसर तो सेम रहेंगे ई वन पोजिशन है, है केवल ये चेंज हो जाएगा तो माइनस ट्वेल्व का माइनस ट्वेल्व और ये एट का एट बस वो माइनस एट का ये भी क्या हो जाएगा एट ठीक है को फैक्टर्स आ गए अब डिटर्मिनेंट निकालू मैं डिटर्मिनट निकालने का मतलब है कि मैं क्या करूं पहला एलिमेंट पकड़ लिया टू और उसको उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ट्वेल्व ठीक है फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ लिया जीरो और उसको उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एट फिर तीसरा एलिमेंट पकड़ लिया थ्री और उसको उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एट और फाइनली मैंने इनका जोड़ कर दिया यही तो डिटरमेंट होता है क्या सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ इट्स को फैक्टर्स सम ऑफ द प्रोडक्ट्स है ना ठीक है सो टू इंटू माइनस ट्वेल्व माइनसुलीरो वॉट इज दिस से मल्टीप्लाई नहीं करते अपन टू से मल्टीप्लाई करके फिर उसका साइन चेंज करते हैं तो पहले साइन चेंज करके टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क आएगा उससे अपन क्या करते थे पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे एंड देन फिर उसका साइन चेंज करते थे अभी अपन ने क्या किया को फैक्टर का पर्पस से पहले ही साइन चेंज कर दिया और अब अपन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस वन या वन से मल्टीप्लाई पहले करो या बात करो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा बट हम हम इतफाक से एलिमेंट से कुछ ऐसे ले रहे हैं ताकि आंसर ये ऐसे आ रहा है सो so, कुछ एक एलिमेंट चेंज कर दो ताकि आंसर ऐसे ना है, लेट्स से इसको मैं वन ले लेता हूँ इसको क्या ले लेता हूँ मैं वन उस हिसाब से चेंजेस करो फटाफट इसको मैं वन ले लेता हूँ तो बताओ एम वन वन ये वापस से बताओ सारे बोलो एम वन वन बोलो अब जल्दी से ये गया ये गया वन माइनस यानी कि माइनस इलेवन फाइन एम वन टू बताओ ये गया ये गया टू टू माइनस एट इज माइनस सिक्स फिर यह गया सिक्स टू जाए ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस फोर इज एट तो माइनस इलेवन का साइन चेंज नहीं होगा और एट का साइन चेंज नहीं होगा माइनस सिक्स का साइन चेंज होकर सिक्स हो जाएगा ठीक है अब करो यहाँ पे चेंजेस तो ये तो एलिमेंट्स हैं टू जीरो थ्री तो और को फैक्टर्स क्या है बोले के? ये तो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं टू जीरो थ्री ठीक है two, zero, three, ना और को फैक्टर्स क्या है टू इंटू माइनस इलेवन जीरो इंटू सिक्स थ्री इंटू एट अब नहीं है जीरो आंसर तो टू इंटू इलेवन माइनस का ट्वेंटी मेरा टू अब मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं लेट से इसको तो डिटरमिनेंट वन कह दिया मैंने या ये तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है ना अब मैं कुछ एक नया तरीके का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ उसको लेट से मैं डिटरमिनेंट डैश से डिनोट करा देता हूं मैं क्या कर रहा हूं एलिमेंट तो वही ले रहा हूँ नहीं मतलब तो तो होता क्या है डिटरमेंट निकालते हैं तो को फैक्टर्स जिस रो के लिए एलिमेंट्स भी उसके ही लेते हैं लेकिन कुछ नया तूफानी ट्राई कर रहा हूँ मैं सो रो वन के मैंने को फैक्टर्स लेट्स से रो टू के ले लू मैं एलिमेंट्स तो रो टू के एलिमेंट्स बोलो टू आगे बोलो वन इंटू आगे बोलो टू इंटू ऐसे करना पड़ेगा और फिर ऐड करने की कोशिश करता हूं देखते हैं ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है प्लस प्लस टू इंटू माइनस इलेवन एस प्लस वन इंटू सिक्स एंड एट टू जा चेक करो आंसर क्या आया जोड़ो जीरो आ रहा है अच्छा रो टू से ट्राई किया ना रो थ्री से ट्राई करो रो थ्री से ट्राई करो डिटर्मिनेंट डबल डैश ले लो उसको को फैक्टर्स वही सेम लिया मैंने माइनस इलेवन सिक्स एट और अब एलिमेंट्स तीसरे रो के ले लो फोर इंटू जोड़ना जरा माइनस का फोर्टी फोर थर्टी सिक्स एट क्या आंसर आया किस नतीजे पे पहुंचे अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो के को फैक्टर्स को उस रो के अलावा किसी भी दूसरी रो के एलिमेंट को फैक्टर्स को एलिमेंट्स है ना या तो एलिमेंट्स बोलो या को फैक्टर्स बोलो को फैक्टर्स टू एलिमेंट्स बोलो या एलिमेंट्स टू चलो एलिमेंट्स टू को फैक्टर्स बोलो अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को उस रो के को फैक्टर्स से ना मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएं और इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करी जाए तो आंसर जीरो आएगा हालांकि वो डिटर्मनेट नहीं है इस तरीके से वो वैल्यू जीरो आएगी ऐसे बोलो इस तरीके से वो वैल्यू क्या आएगी जीरो क्योंकि का के हिसाब से तो जो रो उठा रहे हैं उसी के को फैक्टर्स उठाने ठीक है अच्छा अगर आपने एक रो के को फैक्टर्स उठाए फिर आपने उनको एक पहले तो उसी रो से मल्टीप्लाई करके देखा फिर सेकेंड एंड थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर लेकिन आप कॉलम से मल्टीप्लाई करके नहीं देख रहे हैं और देखना भी मत कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब अगर आप को फैक्टर्स तो ले रहे हैं रो वाइज और आप एलिमेंट्स ले रहे हैं कॉलम वाइज

ऑफ ए डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर्स होता है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर होता है तो एक डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है बस उस एलिमेंट से रेस्पॉन्ड कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हटा दो जैसे थ्री बाई थ्री है तो फिर उसके बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट टू बचेगा वो माइनर होगा मान लो फोर की मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट uh, है मान लो फोर बाय फोर का है तो जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो वो रो एंड कॉलम हटा दो बचा हुआ जो थ्री बाय थ्री बचा उस थ्री बाय थ्री का जो डिटर्मिनेंट है वो उसका माइनर होगा समझे क्या जैसे कि सपोज करो फोर बाय फोर का एक डिटर्मिनेंट है जो कि हमारे कोर्स में साल है नहीं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ऐसा ही होता है फोर बाय फोर का नहीं एक और बनेगा ना सोलह बनेगा ऐसा ही होता है फोर बाय फोर का डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है अब लेट से मैंने इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या करूंगा इस रो एंड कॉलम को हटा दूंगा अब बचा हुआ थ्री बाय थ्री बचा उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो इसका माइनर होगा इस इस वाले पोजीशन का माइनर होगा समझे और इसका डिटर्मिनेंट थ्री बाय थ्री का जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे वही एक रो के किसी भी एक रो के एलिमेंट्स पकड़ के और को से मल्टीप्लाई करें ठीक है तो मैं ऐसे कह सकता हूं एन ऑर्डर के डिटर्मेंट के माइनर्स निकालने के लिए एन बाई एन माइनस वन ऑर्डर के डिटर बाई फोर है तो फिर जो माइनर्स निकल रहे हैं वो थ्री थ्री के मिल रहे हैं और अगर थ्री ऑर्डर uh, थ्री के मैट्रिक्स uh, है या डिटर्मनेंट है तो उसके माइनर्स निकालने के लिए टू बाई टू के अपने को मिल रहे हैं। और मान लो टू बाई टू ही हो तो फिर वन बाय वन मिलेगा टू बाई टू कैसे हो जैसे कि एक दो तीन चार अब इसका माइनर क्या होगा यही एलिमेंट होगा क्योंकि ये गया ये गया तो यही बचा और सिंगल एलिमेंट का डिटर्मेंट वो खुद होता है बाय का वो खुद होता है समझ गए क्या डेफिनेशन क्लियर है अभी ओके okay. सो so, क्या कहा मैंने यहाँ पे द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई ऑफ एफ एमेंट इज द डिटर्मनेट ऑपटेंड बाई हाइडिंग एंड डिलीटिंग द आई आईथ्रो एंड जेथ कॉलम ऑफ द गिवन आईथ्रो आई आई वाली रो जैसे वन टू है तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर दो या हाइड कर दो हाइड करके बचा हुआ जो टू बाई टू का या बचा हुआ जो भी कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है वही उसका उस एलिमेंट का माइनर है समझ आया ठीक है आगे बढ़ते हैं इट इज डिनोटेड बाय लेटर एम आई जे इट इज डिनोटेड बाय लेटर एम आई जे अगर ए आई जे पोजिशन का माइनर है तो एम आई जे होगा या फिर जैसे जैसे पोजिशन चेंज होगी इसका भी पोजिशन चेंज हो जाएगी अच्छा जी अब वो सिंपल टर्म्स वाली बात जो अभी मैंने आपको कही कि एक डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर एन है उसका माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे अगेन डिटर्मेंट निकालेंगे ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन वो रो और कॉलम हटा के जो बचा हुआ एन माइनस वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिले वही उसका माइनर का आंसर है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि आप माइनस उसी के निकाल सकते हो जब ऑर्डर दो या दो से ज्यादा हो क्योंकि जैसे दो ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर है तो ये गया ये गया माइनर निकला तो सही मान लो दो से कम होता वन तो फिर उसको छुपा लेंगे तो डिटरमेंट बचा ही नहीं ना ओ माइनर निकालने के लिए बचा ही नहीं ना हमको ठीक है सो मिनिमम आपको टू ऑर्डर लेना पड़ेगा अगर आप माइनर्स निकालते हो नहीं तो आप माइनर्स नहीं निकाल सकते ठीक है क्योंकि उसको हटा के फिर डिटर्मेंट ढूंढना है तो टू बाय टू में तो हटके फिर भी एक वन बाय वन का डिटर्मेंट मिला लेकिन वन बाय वन में हटा दूंगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं माइनर निकल ही नहीं सकता उसका ठीक है क्लियर है ओके अब आ जाओ को फैक्टर तो को फैक्टर की डेफिनेशन क्या है माइनर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर साइन और साइन क्या होता है पोजिशन के अकॉर्डिंग होता है देखो द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव माइनर एंड माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे भाई माइनस वन की पावर आई प्लस जे कर दो आई प्लस जे यानी वन टू कर सकता हूँ थ्री कर सकता हूं उन दोनों का सम पोजिशन का सम कर दो और माइनस वन के ऊपर पावर लगा दो तो अगर सम इवन हो जाएगा तो माइनस वन की पावर इवन वन हो जाएगा और सम ऑड हो जाएगा तो माइनस वन की पावर माइनस वन ही रहेगा तो इन शॉर्ट बात कि सम ऑड है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई और सम इवन है तो वन से मल्टीप्लाई लेकिन मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई माइनस वन टू दावर आई प्लस जे से सम ऑफ द पोजिशन से मल्टीप्लाई समझ आया इसको डिनोट कराने के दो लेटर्स ए आई जे या फिर सी आई जे जनरली यूज अभी आपके एन कहती है ए आई जे सो क्या करूंगा मैं ए आई जे निकालने के लिए एम आई जे को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा टिव माइनर को माइनस वन टू पावर आई प्लस से मल्टीप्लाई कर दू उससे रेस्पेक्टिव को फैक्टर मिलता जाएगा एक डिटर्मेंट में एक एक फैक्टर थोड़ा होगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट उतने को माइनस समझ आया ओके चले आगे अब इन सिंपल टर्म्स अब सिंपल टर्म्स की बात करें तो ये बात भी मैंने आपको बता दी फिर से सुनो कि ए आई जे और एम आई जे बराबर है माइनर और को फैक्टर बराबर है जब आई प्लस जे ईवन है यानी इवन पोजिशन है और आई प्लस इवन कब होता है आई प्लस इवन कब होता है जब ए आई जे डायगनल एलिमेंट होता है इस टाइप के इस टाइप के एलिमेंट्स में इवन होता है ठीक है अब यहां पे डायगनल का मतलब ये ये वाला और ये वाला डायगनल भी है वैसे डिटर्मेंट में डायगेल एलिमेंट्स ये वाले ही होते हैं लेकिन इस जगह पे केवल पर्टिकुलर इस पोजिशन पे दोनों डायगनल की बात कर रहा हूं ठीक है डायगेल एलिमेंट्स में पोजिशन इवन होती है तो वहां पे माइनर और कोफैक्टर बराबर होंगे और जो नॉन डायगेल एलिमेंट्स है ऐसे जो ये डायमंड शेप बन रही थी नॉन डायगेल एलिमेंट्स जहां पे आई प्लस जो ऑड होता है वहां पर को फैक्टर माइनर का नेगेटिव होगा ये बात भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेके प्रूव जब एग्जाम्पल लेके सारी चीजें प्रूव कर ली तो अब ये सब तो वेस्ट है हमारे लिए बट एक बार नोट्स के लिए लिखना है आपको समझ गए क्लियर है ओके आगे बढ़ते हैं अब डिटर्मेंट की दूसरी डेफिनेशन जिसके बारे में जिक्र कर रहा था सो वी कैन से दैट द डिटर्मनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट of all the elements of any row or column with their respective cofactors determinant क्या है किसने का determinant की एक single line में definition दो sum करना है किसका products का किसके products का किसी भी elements का elements किसके लो किसी भी एक row या column के और फिर products किसे करो उसको उसी के respective cofactors तो एक single line definition क्या बन गई determinant इसका sum अब ये question जैसे ये single line definition है ना ये true false में आती है

तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा उसी ले लो एक रो के एलिमेंट, कर तो एलिमेंट मल्टीप्लाई करो जोड़ो अगर ऑर्डर थ्री है तो ऑर्डर फोर है तो फिर फॉर्मूला भी बदल सकता है और जरूरी नहीं है कि आपने वन फर्स्ट रो ही पकड़ी अगर आप सेकंड रो पकड़ो तो टू टू लगा दो हर जगह अगर आप थर्ड रो पकड़ो तो थ्री थ्री लगा दो आप फर्स्ट कॉलम भी पकड़ सकते हो कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट कॉलम पकड़े तो क्या होगा बोलो फर्स्ट कॉलम पकड़े तो वन वन तो होगा ही होगा फिर टू वन और फिर टू थ्री एंड रिस्पेक्टिव ही होगा फिर इधर भी टू वन और इधर टू थ्री तो इससे भी डिटर्मिनेंट मिल सकता है ओके चले आगे अब हम ओके अब वो जो लास्ट लाइन मैंने आपको बताया कि अगर किसी दूसरे से करवा दें तो आंसर जीरो आएगा वो भी सुन लो नोट डाल के ये इंपॉर्टेंट नोट है ये इंपॉर्टेंट नोट है

अगर आपने वहां पर आप इसका मतलब है कि या तो आप ये पढ़ो या तो इस रूल को आप ऐसे पढ़ो और या फिर इस रूल को आप दोनों जगह से रो को हटा के पढ़ो समझ आया कॉलम टू कॉलम पढ़ना है रो टू रो, अनदर रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दस ऑप्टेंट इस तरीके से प्राप्त किए गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू सीरोक्ल टू

एक्सरसाइज पे में कर दू डिलीट सो अगली एक्सरसाइज में जस्ट हमको माइनस एंड को फैक्टर्स ही निकालें नथिंग एल्स जितना पड़ा उतना अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट फोर फोर यू बच्चों माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमेंट्स इन डिटरमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के माइनर्स एंड को फैक्टर्स दोनों लिखिए ज्यादा है क्या आज ओके सो स्टार्ट करें लिखना टू बाय टू का तो बड़ा ही आसान है कैसे जैसे कि ये वाला क्वेश्चन उतार लिया पहले उतार लिया बोलो उतार लिया तो पहले माइनर्स निकाल लू मैं तो माइनर्स इधर निकाल लेता हूं तो माइनस कैसे निकलते हैं क्या होते हैं चार माइनस कौन कौन से हो जाएंगे चार टू बाय टू का है तो एम वन वन एम वन टू एम टू वन एम टू टू और को इधर निकाल लेता हूं को फैक्टर्स को फैक्टर्स कैसे निकलेगा कैपिटल ए वन वन कैपिटल ए टू टू ओ वन टू एंड कैपिटल ए टू वन एंड ए टू ए वाले लेटर में कैपिटल है बोलना जरूरी है क्योंकि अगर स्मॉल होगा तो एक्चुअल एलिमेंट हो जाएगा वो तो ठीक है ना एम में तो दो चीजें नहीं है ए में तो दो चीजें हो गई ना स्मॉल ए बोले तो एक्चुअल एलिमेंट कैपिटल ए बोले तो उस एलिमेंट का खो फैक्टर तो अपने को जब अपन कब क्या बोल रहे हैं बोलना जरूरी है कैपिटल ए में कैपिटल है स्मॉल ए में स्मॉल ठीक है पहले माइनर्स निकाल लें so, सो एम वन वन पोजिशन कहाँ मिल रही है यहां मिल रही है ए वन वन है ये तो इसकी पोजिशन माइनर इसी पोजिशन का रहेगा

एक ऑर्डर कम हो जाएगा सो इसको कैसे लिखेंगे जीरो और जीरो का डिटर्मेंट जीरो ही यहां तो सेम ही ऐसे ही आएगा M2, में ये गया, ये गया गया सो एंड का मतलब फोर ही होगा अब देखो अलग अलग जगह पे इन बार्स का कितना अलग अलग मीनिंग है अब इसको मॉडुलस ना पढ़ ले कोई तो उसका आंसर तो फोर होगा फिर अब कोई अगर डायरेक्ट टेंथ क्लास का बच्चा इसको पढ़े तो कही इलेवंथ में क्या पढ़ रहे हैं हम या ट्वेल्थ में क्या पढ़ रहे हैं हम मॉडुलस ऑफ माइनस फोर तो फोर होता है या इलेवेंथ क्लास का भी पढ़े तो कहेगा गलत लिखा हुआ है लेकिन मैट्रिसिस की दुनिया में इसका मतलब है डिटर्मिनेंट और वन बाय वन का डिटरमिनेंट अंदर का एलिमेंट ही आंसर होता है ओके ठीक है नेक्स्ट आ जाओ एम टू टू ये गया ये गया आंसर क्या हो जाएगा टू ठीक है ये तो हो गए माइनस अब को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बिल्कुल लॉजिकली करेंगे हम पहला ही क्वेश्चन है एम वन वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन की पावर वन प्लस वन समीशंस इसको बोलो एम वन टू इन टू माइनस वन की पावर वन प्लस टू पोजिशन क्या हैल्टीप्लाइड बाय माइनस वन की पावर टू प्लस वन और फिर इसको करो एम टू टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन की पावर टू प्लस टू डन सो वन प्लस वन ये तो ईवन हो गया तो माइनस वन की पावर ई वन यानी कि वन ये माइनस वन ये वन ये माइनस वन कहने का मतलब एम वन वन क्या था थ्री इसकी पोजिशन तो चेंज मतलब इसका साइन तो चेंज नहीं होगा नहीं कह सकते साइन इसका साइन चेंज नहीं होगा एम वन टू जीरो था उसका साइन चेंज होगा लेकिन जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम टू टू माइनस फोर इसका साइन चेंज होगा टू वन है ना टू प्लस वन थ्री हो गया इसका साइन भी चेंज होगा होगा तो क्या होगा बोलो माइनस फोर इन माइनस वन और फिर इसके साइन चेंज नहीं होगा, अच्छा अल्टरनेट तरीके में थ्री बाय थ्री के मैट्रिक्स में ही चलेगा

थ्री बाय थ्री में चलते हैं अपन निकालते हैं माइनर्स एंड को फैक्टर्स तो अभी नो no एलिमेंट्स का निकलेगा ओके okay? तो इसका निकालता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ो सेकेंड वाले का निकालते हैं ना कुछ कैलकुलेट करने के लिए तो मिले या तो कुछ मिलेगा ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए तो इसका निकालते ठीक है सो so, बोलो नो माइनर्स एंड नो को माइनस इधर निकालता हूं मैं को फैक्टर्स ओके, तो तो पहला M11, M11. So, M11 के लिए ये गया, ये गया, गया, तो और पहले क्वेश्चन का भी पहला आगे से मतलब एक माइनर में, तो में तो करके दिखाना है बाकी नौ में ना भी करें तो चलेगा चेक करने वाला समझ जाएगा कि उसको पता है कि टू बाय टू का डिटर्मिनेंट ही आंसर है माइनर का ठीक है सो so, करो फाइव टू जा टेन माइनस माइनस वन इंटू वन माइनस सो आंसर इलेवन आ गया इसका ठीक है अब बाकी में चाहे मत करो सो एम वन टू निकालो फटाफट से ये गया ये गया थ्री टू जा सिक्स माइनस जीरो यानी कि सिक्स आ गया आंसर सिक्स माइनस जीरो यानी कि सिक्स एम वन थ्री बोलो एम वन थ्री एम वन थ्री के लिए यह गया ये गया ये गया तो थ्री वन जा थ्री माइनस जीरो थ्री माइनस जीरो यानी कि थ्री कोई डाउट नहीं यहां तक चलो जी एम टू वन एम टू वन तो ये गया एम टू वन मतलब ये गया ये गया तो जीरो माइनस फोर जीरो माइनस फोर हो जाएगा दैट मींस माइनस फोर देन एम टू टू की बारी एम टू टू में जस्ट सेंटर का एलिमेंट ये गया ये गया सो टू माइनस जीरो यानी कि टू फिर आ जाओ एम थ्री वन यहां लिख देता हूं एम थ्री वन क्या अच्छा टू थ्री रह गया एम टू थ्री तो गया ठीक है एम टू थ्री के लिए ये गया ये गया वन माइनस जीरो यानी कि वन अब आ जाओ एम थ्री वन एम थ्री वन में ये गया ये गया तो जीरो माइनस ट्वेंटी यानी कि माइनस ट्वेंटी ठीक है एम थ्री टू ये गया ये गया माइनस वन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन एंड लास्ट माइनर एम थ्री थ्री इक्वल टू ये गया ये गया फाइव फाइव. माइनस जीरो मींस चले को फैक्टर्स पे लेट्स फाइंड द को फैक्टर्स ए वन वन इक्वल टू एम वन वन इंटू माइनस वन की पावर वन प्लस वन ऐसे करेंगे एम वन वन क्या निकला इलेवन इन टू माइनस वन की पावर टू हो जाएगा यानी कि इलेवन बन जाए 11। तो ऐसे करके नो के नो लिखने अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं घर पे बैठ के सारे ऐसे कैसे इसी फॉर्मेट में लिखने ठीक है इवन इस क्वेश्चन में तो इसमें भी यही लिखना है ये डिटर्मिनेंट लिखा है ना आपने ऐसे सब में लिखना नो के नो एलिमेंट्स में डिटर्मिनेंट लिखना काफी बोरिंग काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा बट एक क्वेश्चन में तो करना है फिर चाहे से नीचे के क्वेश्चन में मत करो ओके चलो जी ए वन टू अभी हमें डायरेक्ट चलेंगे सो एम वन टू इसका अच्छा थ्री बाय थ्री में तो अल्टरनेट होता है तो वो सेम कॉपी करो फिर नेगेटिव कॉपी करो फिर सेम कॉपी करो फिर नेगेटिव कॉपी करो ओके ना तो सिक्स का साइन चेंज करेंगे माइनस सिक्स ए वन थ्री अब साइन चेंज नहीं करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे थ्री देन ए टू वन साइन चेंज करेंगे क्या करेंगे फोर इसका साइन चेंज नहीं करेंगे दैन मीन्स टू देन फिर इसका साइन चेंज करेंगे यानी कि माइनस वन एंड देन फिर थ्री वन इसका साइन चेंज है? नहीं करेंगे यानी माइनस ट्वेंटी का माइनस ट्वेंटी देन ए थ्री टू इसका साइन चेंज है? करेंगे माइनस थर्टीन का प्लस थर्टीन एंड फाइनली ए थ्री थ्री फाइव मैच करो सारे आंसर नो नौ अठारह आंसर मैच करो वन टू वन एक एलिमेंट -एक बैठ के मैच करो और बताओ सही है कि नहीं मैच हो गया अब आइडेंटिटी एलिमेंट का निकाल दोगे होमवर्क हो जाएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ठीक है अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू वन होती है याद रखना नहीं बताया मैंने आई है कोई कोई मैट्रिक्स है आई किसी भी ऑर्डर की ले लो टू बाई टू की ले लो थ्री बाय थ्री ले लो फोर बाय फोर की फाइव कोई भी आई है बस वो और उसका डिटर्मिनेट निकाल तो आंसर वन आएगा न्यूमेरिक वैल्यू चाहे से चेक कर लो देखो इसमें रो वन के लो एक्सपेंड करूंगा तो केवल वन को देखूंगा जीरो जीरो को तो देखूंगा ही नहीं वन इंटू वन माइनस जीरो ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू वन होती है हमेशा चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखो यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो डिटरमाइन एवैल्यूट डिटर्मेंट दिस अब आपको इस डिटर्मेंट की वैल्यू निकालनी है आपको अगर सर एक्सरसाइज वन में निकाली तो सही इतनी बार हमने बिल्कुल निकाली है बट एक्सरसाइज वन में आपकी मर्जी से किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम को एक्सपेंड किया आपने इस बार वो पर्टिकुलर अपने दिए हुए रोज या कॉलम्स को ही एक्सपेंड कराना चाहता है क्या कह रहा है कि को फैक्टर्स so को इस्तेमाल करो सेकेंड रो के सेकेंड रो के को फैक्टर्स को इस्तेमाल करोगे तो एलिमेंट्स भी सेकेंड रो के ही लोगे ओके okay ना सो so, हम सेकेंड रो के को फैक्टर्स निकाल लें पहले तो हम कह देंगे हेयर द गि डिटर्मिनेंट लिख देंगे गिवन डिटर्मिनेंट एंड नाउ अब अपने को सेकेंड रो के क्या चाहिए फैक्टर्स चाहिए तो सेकंड रो के को फैक्टर्स के लिए क्या चाहिए सेकेंड रो के माइनर्स चाहिए सेकेंड रो के माइनर्स देन उसके को फैक्टर्स देन को फैक्टर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके डिटर्मेंट का आंसर देना है समझ गए सो so, नाउ सबसे पहले सेकेंड रो क्या हो जाएगी एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री यही तो है सेकेंड रो सो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट ये गया ये गया करना थ्री थ्री जो नाइन माइनस सिक्सटीन सही कर रहे हैं नाइन माइनस सिक्सटीन बोले तो माइनस का सेवन फिर एम टू टू ये गया ये गया सो फिफ्टीन माइनस एट फिफ्टीन माइनस एट गिव्स मी सेवन एंड देन टू थ्री में ये गया ये गया टेन माइनस थ्री माइनस थ्री गिव्स मी सेवन ठीक है तो माइनस आ गए नाउ को फैक्टर्स ऊपर लिख देना माइनस है ये तो माइनर्स ऑफ सेकेंड रो ये क्या है माइनस ऑफ Second 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 row. row. row Now, now what we'll find cofactors 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 of second row. Co use second row use co of co of use use elements of second row. तो element का cofactor होता है जैसे अब जो cofactor निकलेगा वो two का cofactor होगा अभी जो ये माइनर निकला है वो टू का माइनर है मैं क्या कहूंगा द माइनर ऑफ टू इज माइनस सेवन ठीक है ना उसने भी ये चीज स्टेटमेंट में क्लियर करी यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रॉ ओके फाइन सो को फैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं निकाल लें क्या क्या निकलेंगे ए वन वन कैपिटल ए वन वन ओ कैपिटल ए टू वन कैपिटल ए टू टू कैपिटल ए टू थ्री सो टू वन के हिसाब से साइन चेंज होगा क्या नहीं होगा हाँ होगा होगा सेवन इंटू माइनस वन होगा यानी कि सेवन अब अल्टरनेट तरीके से नहीं होगा क्योंकि थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स चल रही है so का साइन चेंज नहीं होगा रहेगा एंड आगे तीनों चीजें नाव अब निकालें डिटर्मनेंट ना एक लाइन लिखता हूं मैं नाव द डिटर्मनेंट द गिवन डिटर्मनेंट यूजिंग उसी की लैंग्वेज यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ सेकेंड ठीक है ठीक है दैट इज इसको डेल्टा कह सकता हूं मैं दैट इज डेल्टा इक्वल टू तो, ये हो जाएगा सेकेंड रो में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ए टू वन उसको उसी के को फैक्टर से कैपिटल सेकेंड रो का ए टू थ्री इंटू उसको उसी के को फैक्टर से कैपिटल ए टू थ्री करूं सॉल्व सो ए टू वन क्या है टू जीरो वन और इनके को फैक्टर से देखो सेवन इंटू सेवन इंटू माइनस सेवन प्रोडक्ट करो जोड़ो प्रोडक्ट करो जोड़ो प्रोडक्ट करो जोड़ो सो टू सेवन या फोर्टीन देन माइन प्लस जीरो माइनस सेवन फोर्टीन माइनस सेवन आंसर इज सेवन ठीक है ओके सो इस तरीके से भी डिटर्मिनेंट निकलवाएगा पर्टिकुलर रो या कॉलम के को फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए ठीक है सेम टू सेम क्वेश्चन फोर्थ है बस उसमें उसने क्या कर दिया किसी और रो को पकड़ लिया थर्ड कॉलम पकड़ा आपकी बार पहली बार कॉलम पकड़ने में आया चलो कॉलम को देखो देखोजर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम देख रहा है आपको वाई जे जेड एक्स और एक्स वाई दिस इज थर्ड कॉलम सो थर्ड कॉलम के हिसाब से माइनर्स को फैक्टर इधर माइनर्स निकालता हूं और इधर तो तीन तीन ही निकलेंगे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं माइनर hmm. so, बोलो कॉलम कॉलम थ्री के तीन एलिमेंट्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं वन थ्री टू थ्री 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 है ना सो एम वन थ्री एम टू थ्री एम थ्री थ्री निकालते हैं सो वन थ्री बोले तो ये गया ये गया z माइनस वाई लिखूंगा बोलो देन फिर फिर सेकेंड एलिमेंट देखो कॉलम का ये गया ये गया सो so, z माइनस एक्स लिखूंगा बोलो एंड देन फिर ये गया ये गया सो वाई माइनस एक्स डन अब को फैक्टर्स ए वन थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री क्या होता है एम वन थ्री इसका साइन चेंज होगा क्या नहीं होगा ना इसका तो होगा इंटू माइनस वन आपको वो पावर आर लगा के करना है एक्सरसाइज में पूरा इसको कैसे लिखोगे वन प्लस थ्री फिर अगले स्टेप में वो वन बनेगा वन की पावर फोर वन बनेगा ठीक है ना सारा करना है ठीक है ये माइनस वन से होगा एम थ्री थ्री ये वन से होगा ओके okay, सॉल्व so करते हैं एम वन थ्री क्या जेड माइनस वाई को वन से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो जेड माइनस वाई आएगा और Z माइनस एक्स को माइनस वन से कराएंगे तो क्या आएगा टेलमी एक्स माइनस जेड आए एंड देन फिर इसको y- माइनस एक्स को किससे कराएंगे से तो ठीक है आगे तीनों को फैक्टर्स अब आपको डिटरमिनेंट चाहिए यूजिंग थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होते हैं नाउ डिटरमिनेंट थ्री वन सॉरी वन थ्री वन थ्री उसको उसी के को से प्लस अगला एलिमेंट क्या होता है टू थ्री उसको उसी के को से प्लस अगला एलिमेंट क्या होता है थ्री थ्री उसको उसी के फैक्टर सम करके जोड़ना है तभी डिटर्मेंट की वैल्यू आएगी सो so, एलिमेंट्स क्या क्या थे देखो चेक करो वाई जेड एक्स एक्स वाई वाई इसका को फैक्टर क्या है जेड माइनस वाई प्लस इसका को फैक्टर क्या है एक्स माइनस जेड तो जीरो आता दिखता है प्लस वाई माइनस एक्स करें सॉल्व

कटा गया चल नहीं कटा तो एक काम करते हैं कॉमन तो लेना पड़ेगा सो चेक करो इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है ये दोनों इन दोनों को कॉमन लेना एक्स स्क्वायर इसमें से क्या बचता है जेड माइनस वाई बचता है फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है ये दोनों तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचता है एक्स माइनस जेड पॉजिटिव एक्स है माइनस जे है दें फिर जे स्क्वायर वाली टर्म कॉमनली तो क्या बचा वाई माइनस एक्स चेक करो इस फॉर्म में क्या आंसर इस फॉर्म में नहीं है ओके okay. सो so, फिर कुछ और सोचो अच्छा केवल वाई कॉमन लेना हो तो चेक करो वाई कॉमन किसमें सिंगल वाई फर्स्ट में और लास्ट में केवल वाई या मतलब एक्स से स्टार्ट करते हैं चलो केवल एक्स कॉमन किस में ये चेक करो इन दोनों में सो so, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा देन बोलो आगे अब क्या कॉमन लें एक्स कॉमन लिया तो अब लो वाई कॉमन तो so, वाई कॉमन किस किस में आया दिस दिस वन एंड बचा सेक्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन उसके बाद फिर जेड कॉमन लिया तो वो किस में आया इन दोनों में तो so, क्या बचा तो अब देखो इस फॉर्म में है क्या एक्स माइनस वाई वाई माइनस ये तीन फैक्टर्स बन रहे हैं आपके है ना इस फॉर्म में तो अभी भी नहीं है वापस पहले वाले तरीके पे चलो पहले इससे पहले क्या किया था अपन ने स्क्वायर कॉमन लिए थे तो स्क्वायर स्क्वायर हमने कॉमन लिए थे तो लो एक बार वापस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन बोलो एक्सक्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर एक्सक्वायर एक्सक्वायर किस किस में इसमें और इसमें तो क्या बचा से वाई बोलो ठीक है आगे बोलो वाई स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचा वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद देट माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा वाई स्क्वायर कहाँ है फर्स्ट में वाई स्क्वायर इन दोनों में है ना क्या बचा एक्स माइनस जेड एंड देन अब जेड स्क्वायर कॉमन लो क्या बचा जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर किसमें इसमें और इसमें y माइनस ठीक है y माइनस एक्स बचा एक्स माइनस वाई बचा चेक करो जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो y माइनस एक्स ही तो बचा नहीं हमारे इसमें देखो उसको भूल जाओ क्वेश्चन सॉल्यूशन को, को भूल जाओ इसमें तो सही निकाला है ना हमने वाई माइनस एक्स एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स एंड जेड माइनस क्या क्यों एक बार बताना वापस क्या था हुँ? यानी मुझे x y कॉमन चाहिए तो मुझे बताओ x y कॉमन कैसे आ सकता है चलो इस पे दिमाग लगाओ x y कॉमन कैसे आ सकता है जब x y वाली x टर... और y वाली टर्म्स कौन-कौन सी हैं जैसे कि अभी मैंने z² कॉमन लिया था तो y x बचा था बोलो z² कॉमन लिया था तो y x बचा था तो अगर मैं -z² कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बोलो अगर मैं माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा वाई का हो जाएगा माइनस वाई और माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस एक्स यहाँ तक क्लियर है इस टर्म का और इस टर्म का काम कंप्लीट किसका किसका इसका और इसका अब बची हुई जो टर्म्स हैं उसमें से भी एक्स माइनस वाई कॉमन चाहिए क्या कहा मैंने बची हुई जो टर्म्स हैं उसमें से भी मुझे क्या चाहिए कॉमन एक्स माइनस वाई चाहिए तो बची हुई टर्म्स कौन कौन सी हैं ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लू देखो y माइनस जेड और फिर क्या था आगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड फिर क्या था z माइनस एक्स ऐसे ही था मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई जेड देन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स वाई देन माइनस माइनस एंड देन फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, है? देखो इन दोनों में से y कॉमन लो और इन दोनों में से z कॉमन लो गया ना काम किस किस में से देखो जिसमें वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसमें से क्या ले लो कॉमन वाई कॉमन ले लो तो मैं प्लस वाई लिख दू उसको वो लो क्या कॉमन आएगा प्लस वाई लेते एक तो माइनस और वाई कॉमन लिया था ना इसमें से तो वाई से ठीक है अब आप आ जाओ यहाँ पे अब क्या क्या बचा ये दोनों बचे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा प्लस एक्स एक्स कॉमन आएगा क्या बचेगा यहां से क्या बचेगा फिर सेम नहीं बचा, एक्स वाई बचाई और यहाँ आ रहा एक्स जेड एक्स वाई फिर से देखो इन दोनों में से वाई कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स वाई माइनस वाई जेड और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया है आपने एक्स कॉमन लिया है तो बचता है एक्स जेड माइनस एक्स वाई अगर मैं इन दोनों में से माइनस एक्स वाई कॉमन लू लास्ट वाली दो टर्म्स में से अगर मैं माइनस एक्स वाई कॉमन लू तो क्या बचता है माइनस एक्स एक्सक्वायर वाई में से माइनस एक्स वाई कॉमन आया तो एक्स बचा माइनस एक्स वाई स्क्वायर में से माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो माइनस वाई बचा ठीक है।, है तो लेट्स इन दोनों का काम हो गया ओके अब यहाँ पे आओ यहाँ से तो माइनस एक्स वाई कॉमन लिया आपने है ना और यहाँ से मैं लेट से कि इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं जेड क्या ले सकता हूँ जेड तो लो कॉमन यहाँ से जेड कॉमन लिया तो क्या बचा बोलो एक्सक्वायर माइनसक्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई भैया माइनस वाई स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया ना बोलो तो क्या बचा एक्स माइनस अब क्या क्या बचे ये दोनों बचे इन दोनों में से क्या कॉमन लो आप क्या ले सकते हो पहले तो बताओ ओनली स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा वाई माइनस एक्स लेकिन आप वाई माइनस एक्स नहीं आप X minus y बचाओ क्योंकि हर जगह है तो आप एक काम करो माइनस एड स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच गया अंदर एक्स माइनस वाई बोलो यहां तो कोई डाउट अब तीनों टर्म्स में एक्स माइनस वाई है आपके पास चेक करो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी एक्स माइनस वाई ओवरऑल कॉमन आ गया ऊपर कर देता हूं मैं एक्स माइनस वाई ओवरऑल कॉमन बताओ बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहां से क्या बचा माइनस एड स्क्वायर वहां से क्या बचा प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई और फिर वहां से क्या बचा माइनस एक्स माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो माइनस एक्स वाई डन ओके अब एक बार अंदर वाला सॉल्व करो एक बार इसके अंदर वाली चीज को सोल्व करो सो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई तो बाहर आ गया एक फैक्टर तो मिल गया मुझे ना इसको तो छेड़ो ही। मतलब एक्स वाई ठीक है, है। -Z square, Z X, XZ, Z, YZ, अब आप इसमें से क्या बनाना चाह रहे हो वाई माइनस जेड बनाना चाह रहे हो तो वाई माइनस जेड करने के लिए क्या चीज कॉमन आएगी देखो वाई भी आया और माइनस जेड भी आया ई so, भी आए माइनस एड भी आए देट मीन इन दोनों में से जेड कॉमन ले लो समझ आया एक्स माइनस वाई तो बाहर बैठा ही है ब्रे, बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया बताओ जेड तो जेड कॉमन लिया तो क्या बचा वाई माइनस जेड और बचे हुए में से क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा एक्स तो एक्स कॉमन ले लो क्या बचेगा जेड माइनस वाई हो गया काम पर वाई माइनस जेड चाहिए सॉरी आपको आपको वाई माइनस जेड चाहिए तो आप माइनस एक्स को कॉमन लो माइनस एक्स को कॉमन लो तो इधर भी क्या बच जाएगा वाई माइनस सेड डन इक्वल टू एक्स माइनस वाई तो पहले से बाहर है ही सही बड़े ब्रैकेट में वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड अगेन कॉमन तो क्या बचेगा जेड माइनस अब बड़ा ब्रैकेट हटा दो सिंपली तीन फैक्टर्स लिख दो एक्स माइनस वाई वाई कैलकुलेशन ट्रिक थी बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काम तो बहुत पहले हो गया था ठीक है एनी डाउट्स एमसीक्यू को खत्म करो फटाट कर दो डिलीट डेल्टा गिवन है आपको कुछ थ्री बाय थ्री के मैट्रिक्स के टाइप में और आपको क्या दे रखा है ए आईजे को फैक्टर होता है तू क्या बता रहा है हमको ही पता है ए स्मॉल ए आई जे एलिमेंट का कैपिटल ए आईजे को फैक्टर होता है ना तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें एलिमेंट्स और को सेम रो के लिए गए हो तो देखो वन वन थ्री वन कोई मैच ही नहीं है रो वन ले रहा है और कॉलम वन ले रहा है ये तो कुछ होता ही नहीं है ठीक है यहाँ पे सही चला फिर यहाँ पे मिसमैच कर दिया गलत ऑप्शन नंबर थ्री आओ ये शुरू में मिसमैच है गलत वन 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 टू वन टू वन थ्री वन थ्री जो रो के एलिमेंट्स लिए वही कॉलम के एलिमेंट्स लिए अच्छा कल को अगर मान लो यहाँ पे ये वन थ्री कर दे और यहाँ पर भी वन थ्री कर दे तो केवल ये चीज नहीं चेक करनी कि ये दोनों सेम है तो ये दोनों तो सेम इसमें भी है आपको ये भी चीज सेंड करनी है अब ये तीनों चीजें एक ही रो की और एक ही कॉलम की नहीं है है या नहीं है सो अगर मैं वन थ्री कर देता हूं वन थ्री कर देता हूं तो ये क्या है ये तो है पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट गलत है फिर तो ये नहीं सही है सही है अरे ये जो है वन वन ये कॉलम वाइज चल रहा है देखो कॉलम वन का पहला एलिमेंट कॉलम टू का दूसरा कॉलम वन का दूसरा एलिमेंट एंड कॉलम वन का तीसरा एलिमेंट ए वन वन ए टू वन और ए थ्री वन नहीं होता है क्या सो so, ये कॉलम वाइज चल रहा है सही है लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं वन थ्री लिख दूँ तो अचानक से तीसरा एलिमेंट रो का ले लिया उसने वो गलत हो जाएगा तो आपको केवल ये नहीं चेक करना कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है आपको ये भी चेक करना है कि अब ये तीनों चीजें एक ही रो या एक ही कॉलम से ताल्लुक रखनी चाहिए उन, ती, उन तीन में से अगर कोई मान लो दो एलिमेंट एक रो से ताल्लुक कर रही है और एक एलिमेंट कोई किसी रो, और रो से या किसी और कॉलम से ताल्लुक रख रही है तो भी इसका आंसर डिटर्मिनेंट नहीं आएगा ठीक है क्लियर है सो ये हो जाएगा मेरा आ, फाइनल आंसर ठीक है अच्छा कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा बी का आंसर बी का आंसर जीरो होगा चेक करो देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट सही है, है लेकिन को फैक्टर्स किसके हैं कॉलम के हैं तो रो टू कॉलम तो कुछ होता ही नहीं है ये भी गलत हो गया फिर तो किसी का आंसर जीरो है क्या चेक करो इसमें सी में देखो सी का आंसर जीरो सी में ये रो वन है और ये रो है, यस। ये रो रो है है यस ना टू वन टू, टू 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 थ्री और वो रो वन है वन वन टू वन टू वन थ्री। सो इसका आंसर जीरो आएगा इसका आंसर डेल्टा यानी एक्चुअल डिटर्मिंट आएगा और ये दोनों नथिंग इसका आंसर कुछ भी है किसका ए वाले में भी है अच्छा रो वन रो वन रो वन ये कॉलम पे आ गया बेटा थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री तो कॉलम है ना रो टू कॉलम थ्री वन 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 टू हाँ ये भी रो ये सही है तो इसका आंसर भी जीरो आएगा इसका आंसर भी जीरो आएगा इसका आंसर डेल्टा आएगा और ये कुछ नहीं चीज ठीक है समझ गया डन ओके सो एट ज्वाइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी अवर थर्ड टॉपिक विच वी विल स्टडी टुमारो थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग